जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे भारत। मैं हूँ साध्वी श्वेता रेड्डी, बीजेपी महिला नेता, फॉर्मर बोर्ड मेंबर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एंड फाउंडर चेयरमैन हनुमान न्यूज। अभी मेरे साथ हैं शंकर मिश्रा जी, स्टेट प्रेसिडेंट फॉर लोक जनशक्ति पार्टी एंड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लोक जनशक्ति पार्टी भी जुड़ गई है। और चिराग पासवान जी has also been successfully joined with BJP and also been given the ministry and so happy. We would like to do a little conversation about Bharatiya Janata Party and also how they are feeling getting connected with Modi ji and Bharatiya Janata Party and also about Sanatan Hindutva. Mishra ji, who is your favorite god? हमारे लिए तो सभी, हमारे सनातन में जितने भी देवी देवता हैं सभी हमारे लिए फेवरेट हैं। और 300 जितने भी हमारे देश में, क्योंकि तो हमारा देश जो है ये देवी देवताओं का ही एक संस्कृति रही हमारी सनातन की। ये आज से नहीं, कई हजारों, देखिए जात धर्म लोग यहाँ आके वहाँ आके बना सकते, लेकिन जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी सनातन धर्म रहा, ये कई हजारों साल पुराना है। और सभी देवी देवता हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि हम अपने आस्था से कभी खिलवाड़ नहीं होने देते। और सभी लोग हमारे जो हिंदू भाई हैं, हनुमान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं, हनुमान जी के बारे में क्या कहना है कि जो श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, जिनको इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई गुमान नहीं था, और वो सबकी मदद करने वाले ऐसे एक इंसान, मतलब भगवान के रूप में आज भी धरती पर हैं। इस कलयुग में इतना पाप कहते थे बढ़ेगा, बढ़ता भी जा रहा है, जो दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी हनुमान जी की कृपा से आज भी ये धरती उसी तरीके से श्री राम के नाम के साथ और भी देवी देवता, कोई काली माता, दुर्गा माँ, जो भी हमारे माता शक्ति हैं, मातृ शक्ति हैं, सबके नाम के साथ हनुमान जी जरूर होते हैं। तो हनुमान जी तो हैं ही सबके प्रिय और सबसे। अभी आपको कैसा लग रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आपका पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और हमारा मोदी जी से आप जुड़ गए, और चिराग पासवान जी भी is also leading a pivotal role in the alliance. आपको कैसे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलन? नहीं नहीं, हम लोगों का देखिए, हम लोग देश को मजबूत करने के लिए, हमारा अलायंस देश को मजबूत करने के लिए, हमारे अलायंस कोई शर्तों पे नहीं, मेरे नेता ने किसी शर्तों पे अलायंस नहीं किया, हम देश को मजबूत करने के लिए अलायंस किया। और फिर से तीसरे बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये अब नहीं, ये जीत से पहले ही हमने कह दिया था कि हम फिर से तीसरे बार नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, उनको फिर से तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद का। कैन यू प्लीज मेंशन द 3 गुड क्वालिटीज ऑफ मोदी जी? क्या मैं उनकी क्वालिटी आपको बताऊं? सारी क्वालिटी उन्हीं के अंदर अच्छी, 3 क्या, सबसे ज्यादा क्वालिटी उनकी है जो आज देश इतना तरक्की किया है। आज आप पहले विदेश जाते थे तो भारत को लोग बहुत ही नीचे नजरों से, मतलब नीचे स्तर पे देखते थे। आज भारत कहीं भी हो, भारतीय कहीं भी हो, उनको इतना सम्मान मोदी जी की वजह से मिल रहा है। आप लोगों ने देखा जब युद्ध चालू हुआ था, दो देशों का हुआ था, इतना भीषण युद्ध रूस और यूक्रेन का चल रहा था, लेकिन हमारे भारतीय जो विद्यार्थी थे, जो वहाँ पढ़ने हुए गए थे, जो यहाँ रहने के लिए या काम करने के लिए गए थे, उन लोगों ने सिर्फ तिरंगा हाथ में लेकर के निकले तो युद्ध रुक गया उनका, तिरंगा को देखकर। उसको फिर बोलो पाकिस्तान वालों ने भी, वहाँ के बच्चों ने भी ये हमारा तिरंगा को लेकर वहाँ से निकले। तो क्या चाहिए आपको, जब आपका देश इतना मजबूत हो रहा हो, दुनिया में देश का नाम हो रहा हो, यहाँ सनातन धर्म को इतना मजबूत किया, देश को इतना मजबूत किया, बॉर्डर इतना मजबूत हो गया है, कोई भी पहले आके हमें धमका जाता था, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कहीं से भी कभी भी आतंकवादी हमला हो जाता था, तो इतना सारा सुरक्षा उन्होंने दे दिया है देश को। राम मंदिर के लिए पिछले इतने सालों से लगे हुए थे, कांग्रेस ने पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, 370 हट गया। इतना विकास करने के बाद अगर मोदी जी की 3 क्वालिटी पूछती है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के लिए क्वालिटी पूछने की जरूरत है, उसका 3,000 क्वालिटी। ठीक है, चिराग पासवान जी इज द यंग एंड डायनामिक लीडर इन द प्रेजेंट अलायंस एंड ही इज वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक, सो कैन यू से फ्यू थिंग्स अबाउट चिराग पासवान जी एंड ऑल्सो ही इज बींग सक्सेसफुली गिवन द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, आने वाला दिन में उनका विजन कैसा रहता है? हमें जो भी दिया गया, देखिए हमने कोई शर्तों के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ ना, हमने कोई ब्लैकमेल हमारे नेता ने ना कोई शर्त रखी, निस्वार्थ भाव से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के हनुमान कहे जाते हैं, अभी आपने हनुमान का जिक्र किया, मेरे नेता के ऊपर टोन भी लोग कसते थे हनुमान है, लेकिन वो वाकई मोदी जी के हनुमान है। बिना शर्तों के साथ जो भी मिला उन्होंने लिया। और जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, इनको विदेश में जाइए, ये बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, लेकिन
यहाँ हमारे कुछ मंत्री नेताओं के अपनी सोच के वजह से, छोटी सोच के वजह से उसको छोटा ही रख दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी का एक विश्वास है हमारे नेता पे कि इनको बहुत बड़ा मंत्रालय बनाना है, और जो गरीब गुरबा किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उनसे विकास करना है, नई नई चीज़ों को लाना, टेक्नोलॉजी नई नई आएंगी। और हमारे नेता खैर इतने इन चीज़ों को लेकर के निस्वार्थ भाव से, जिस दिन से उनको पद मिला है, जिस दिन से शपथ ग्रहण किया है, उसी दिन से लग गए हैं। बेशक ये आने वाले 5 साल बाद देखिएगा फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय देश का